आप लोगों की यही मांग थी कि केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक आप लोग आगे इस मामले को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं करेंगे। अब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब आने वाले दिनों में आपका क्या रुख रहेगा? और उनका पिताजी जो गृह राज्य मंत्री है, किसी की हिम्मत है कि उससे पूछताछ कर उस पर केस लगा देगा? लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से पहले उनके खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा, वो मामला दर्ज हो गया, अब गिरफ्तारी भी हो गई, उनके पिताजी का इस्तीफा हो जाए, वो भी 120B का मुलजिम है, गिरफ्तार हो जाए, उनपे केस चले, तो ये तो मूवमेंट है भाई, ये चलता रहेगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा, ये आंदोलन जारी रहेगा हमारा। लेकिन सर कल आपने अब आगे आप लोगों का क्या रुख रहेगा, और ये जो गिरफ्तारी की गई है इस लोगों से आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट कहेगा, गिरफ्तारी करी, किस चीज में गिरफ्तारी करी, क्या उन्होंने बताया, और जेल भेज रहे नहीं भेज रहे, तो क्या कह रही, तो उसमें सारी चीजें हैं ना। आगे किसान मोर्चे का आप क्या रुख रहेगा? 12 तारीख का हमारा मीटिंग है, हम आगे का दिन 12 तारीख की मीटिंग में लेंगे, हमने कुछ चीजें डिसाइड करी है। 15 तारीख को जैसे रावण का इनका दहन होता है, पुतला दहन होता है, तो उसको कहेंगे कि भाई करो सब बुराई का, और फिर 18 तारीख को 6 घंटे का ट्रेन का है, और इनकी कलश यात्राएं सब जगह जाएगी, पूरे देश भर में जाएंगी, वो प्रोग्राम बना रहे हैं, कलश यात्रा इनकी जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी जाएगी। 26 तारीख की एक बड़ी पंचायत है, जब तक पंचायत की जगह होगी, पंचायत लखनऊ में होगी, जगह अभी डिसाइड नहीं करी कहाँ पर होगी, पंचायत है, घिराव नहीं, पंचायत होगी।